एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बैग प्रैक्टिस के बारे में बताने जा रहे हैं। अपना जो स्पिनिंग यूनिट में या टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो जो बैग प्रैक्टिस रहता है, वो बैग प्रैक्टिस का मतलब आपको समझा देता हूँ। जैसे आप भी जो भी गाइडलाइन बना, जो भी सिस्टम बना, वो सिस्टम से हट के कुछ काम होता है, इसको बैग प्रैक्टिस बोलते हैं। और बैग प्रैक्टिस का चक्कर में हमको क्वालिटी के लिए कभी कभी कंप्रोमाइज करना पड़ता है, क्वालिटी खराब होता है, प्रोडक्शन कम आता है, इनडिसिप्लिन बढ़ता है। और बैड प्रैक्टिस से जैसे पुराना कारीगर कोई गलत काम कर रहा है, नया कारीगर जो भर्ती होता है वो भी सीखता है, तो बैड प्रैक्टिस से कुल मिला के कंपनी को कोई फायदा नहीं होता। वर्कर अपनी सुविधा के लिए बैड प्रैक्टिस अडॉप्ट करता है, जिसके कारण हमको भुगतान करना पड़ता है। तो वो बैड प्रैक्टिस कौन सा डिपार्टमेंट में क्या क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। और इसको सही करने का तरीका भी मैंने लास्ट में बताऊंगा, ऐसे इसको कैसे कैसे सही करें। सबसे पहले देखिए, मिक्सिंग एरिया अपन देखें। मिक्सिंग एरिया में क्या होता है, जैसे आपको पहले भी मैंने इंट्रो सीरीज में या मिलान का प्रोसेस सीरीज में बताया, अपन 100 kg का लेयरिंग सिस्टम करते हैं। जैसे दो चार कंपोनेंट का फाइबर है, तो अपना जो परसेंटेज जितना फाइबर जाना चाहिए वो बराबर वजन करके इसको 100 kg का लेयर करके लेयरिंग रूप में फैलाते हैं। और जहाँ पे मिक्सिंग में ठेकेदार का आदमी रहते हैं, बदमाशी करते हैं, बैड प्रैक्टिस बोलते हैं, प्रॉपर वेमेंट परसेंटेज वाइज नॉट फॉलोड इन लेयरिंग। 100 kg की जो लेयरिंग करते हैं बैड प्रैक्टिस में, क्या करते हैं, हाथ से उठा ले अंदाज से 50 kg पलिस्टर और 20 kg विस्कस, 10 kg ये फलाना, ऐसे करके हाथ से अंदाज लेके लाटिस में डाल देते हैं। उससे क्या होता है, वो उनको आसान हो जाता है, मिक्सिंग का प्रोडक्शन बढ़ा देते हैं, वजन नहीं करना पड़ा, लेकिन इसका शेड वेरिएशन हो जाएगा, शेड ऑफ हो जाएगा, तो ये सब प्रॉब्लम आएगा। तो ये आप कभी भी अलाउ नहीं करना कि बिना वजन में लेयरिंग करें। उसके बाद देखो, यूज ऑफ कोल्ड वाटर इंस्टेड ऑफ हॉट इन विंटर सीजन। मतलब मिक्सिंग में अपना ये सिस्टम भी बनाते हैं कि जब अपन मिक्सिंग बनाएंगे, ठंडी का मौसम में अपन गर्म पानी लेंगे, वाटर हीटर में पानी गर्म करके उसमें LB40 और 51P पानी जो भी लड़ा, गर्म पानी में लड़ा, ताकि गर्म पानी में वो मेल्ट कर जाता है, सलिबुल जैसा हो जाता है, बढ़िया मिक्सअप हो जाता है। और कभी कभी क्या करते हैं मिक्सिंग का मजदूर लोग क्या करते हैं, अरे पानी कौन गर्म करता है, ठंडा पानी डाल दो, तो ये गलत चीज है, इसको भी चेक करना जरूरी है। ये एक तरह का चेक पॉइंट भी मांगो, विदाउट विस्कस और डायरेक्ट पार्ट ओपनिंग यूज इन मिक्सिंग। जैसे कि आपको बताया गया, विस्कस फाइबर को अपन ब्लेंडर में पहले खुलवाते हैं, चाहे ग्रे हो, डायरेक्ट हो, और वो डायरेक्ट कटन भी जो अपन मिक्सिंग में यूज करते हैं, इसको भी ब्लेंडर से खुलवाते हैं, चाहे वाइल्ड गेज हो, लेकिन ब्लेंडर में खुल देने से क्या होता है, डायरेक्ट के बाद जो स्लाइवर जो होता है बत्ती जैसा बन जाता है, वो ओपनिंग बढ़िया बराबर हो जाता है। तो इसको भी कभी कभी ये लोग क्या करते हैं, विस्कस भी ओपन नहीं करते, डायरेक्ट पार्ट भी ओपन नहीं करते, डायरेक्ट यूज कर देते मिक्सिंग में, वो भी गलत है। उसमें क्या होता है, मतलब कार्डिंग में ओपनिंग बराबर नहीं होगा और क्रश मेल्ट फॉल्ट बढ़ेगा और आई पी आई भी बढ़ेगा। यूज ऑफ मिक्सिंग बिफोर कंडीशनिंग, कंडीशनिंग से पहले मिक्सिंग यूज कर लेना, वो भी बहुत बड़ा बीमारी है। जैसे समझ लो आपने किसी मिक्सिंग में 24 घंटे का कंडीशनिंग टाइम रखा, मिक्सिंग बोर्ड में लिख दिया ये कंप्लीट हुआ इतना बजे यूज कर सकते हो, लेकिन कभी कभी क्या करते हैं, मटेरियल सटेज पड़ता है तो बोलते हैं अरे कितना 24 घंटा कंडीशनिंग होना है, वो 12 घंटा हो गया, डाल दो मिक्सिंग। ऐसे गलत है, ऐसे डालने से क्या होता है, तो जो मिक्सिंग में वाटर और LB40 वगैरह बराबर सोख नहीं क्या होता, हपाजट रहता है, वो डाल दोगे तो नेप्स बढ़ जाएगा, वर्किंग खराब रहेगा, सब प्रकार का फॉल्ट आएगा, तो इसको कभी अलाउ नहीं करना। ये माना देखो, स्कीप ऑफ टपलिंग, स्कीप ऑफ टपलिंग क्या होता है, जैसे आप कोई 50-50 ब्रांड का मटेरियल चला रहे हो, तो उसमें अपन को बोला हुआ फाइबर ओपनिंग होगा, लेयरिंग होगा और डबल टपलिंग होगा,
तो जो डबल टपलिंग का बात आता है ना, तो जो ठेकेदार होता है, जैसे 3 टन का मिक्सिंग है, एक बार लेयरिंग किया, 2 बार टपलिंग किया, 3 + 3 + 3 9 टन का इसको प्रोडक्शन का पैसा मिलता है। अगर वो एक टपलिंग स्किप कर दिया, मतलब 3 टन फर्स्ट टपलिंग के बाद डायरेक्ट लाइन में डाल दिया, तो 3 टन उसने ऐसे ही उड़ा लिया, मतलब टपलिंग कराया नहीं, वो पैसा इसको मिल जाता है। वो वहां खड़ा होकर कौन देखता है 3 टन का, मतलब डबल टपलिंग क्या है, सिंगल क्या है, तो इसको भी चेक करना जरूरी है। ये बहुत टाइम ऐसे होता है, सिंगल टपलिंग करके छोड़ देते हैं, अपना मटेरियल चालू हो जाता है, आगे जाके सेड अप हो गया, सेड वेरिएशन हो गया, सब प्रकार की प्रॉब्लम आएगा, और पैसा लेने वाला आदमी पैसा ले लिया। वेस्ट नॉट यूज इक्वली लेयर वाइज। वेस्ट का जैसे समझ लो आप 5 टन का मिक्सिंग लगा रहे हो, आपको 500 किलो का वेस्ट डालनी है, तो 500 किलो का डालनी है तो लेयर वाइज इक्वली डालना पड़ेगा, लेयर वाइज एक साथ कहीं डालना नहीं, लेयर वाइज डालोगे यूनिफॉर्म मिक्सिंग रहेगा, वो भी चेक करना है। वर्टिकल कटिंग नॉट फॉलोड। वर्टिकल कटिंग क्या होता है आपको बताता है, जैसे अपन केक वगैरह काटते हैं ना ऐसे वर्टिकली, ऐसे लेयरिंग रूम पे ऐसे वर्टिकली काट के लेंगे, फर्स्ट टपलिंग में भी ऐसे ही काटेंगे, वो फाइनल में भी ऐसे ही काट के फ्लोर में डालेंगे, तो जितना वर्टिकल कटिंग रहेगा होमोजेनियस रहेगा मिक्सिंग, आपकी शेड वेरिएशन नहीं आएगा, शेड ऑफ नहीं होगा, और वो वर्किंग बढ़िया रहेगा। और वर्टिकल कटिंग ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, ये कारीगर कभी कभी आपको देखेगा तो ऐसे काट के लेगा, आप जैसे थोड़ा आगे चले जाओगे ऐसे ऐसे उठा के ऐसे डाल देगा लेटिस में, तो वो दिक्कत है। तो वर्टिकल कटिंग तो मस्ट होनी चाहिए, विदाउट चेकिंग वेस्ट आर्ड ऑन मिक्सिंग। जो कोई भी वेस्ट अपन मिक्सिंग में डालते हैं उसको पूरा चेक करेंगे, उसमें लोहा लक्कड़ तो नहीं है, बॉबिन तो नहीं है, या कुछ रोबिन का टुकड़ा तो नहीं है, वो अगर रहता है अपन मिक्सिंग में डाल देते हैं तो वो चीज क्या होता है, जाके आगे भयंकर ब्रेकडाउन होता है, मशीन टूट फूट जाएगा, ये हो जाएगा, तो बिना चेकिंग में वेस्ट डालना नहीं। नेक्स्ट देखिए, ब्लोरूम का बैड प्रैक्टिस के बारे में हम बात कर रहे हैं। ब्लोरूम में क्या क्या चीज होता है जो बैड प्रैक्टिस कहलाता है। सबसे पहला देखो, लैपोइड टीपी हेवियर टर्नआउट एक्सेस मटेरियल, मतलब समझ लो लैपोइड आपकी स्टैंडर्ड के हिसाब से 10 किलो 500 ग्राम होनी चाहिए, तो उसमें अपन स्टैंडर्ड समझ लो 150 ग्राम प्लस माइनस रखे, तो ये हो गया 10 किलो 500 प्लस माइनस अपन 150 ग्राम रखे, तो ये 10 किलो 650 से 10 किलो 350 इसी रेंज में होना चाहिए। समझ लो कोई लैब आपके आ गया 10 किलो 650 से ऊपर आ गया, मतलब 11 किलो आ गया, 10 किलो 800 आ गया, तो कोई कोई कारीगर होता है, पुराना कारीगर क्या करते हैं, तो लैब पॉइंट करेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, वो तो इसको थोड़ा सा फोड़ देंगे, आगे से तोड़ देंगे, तोड़ के फेंक देंगे और फिर वजन कर देंगे, तो उसमें क्या होता है देखो, लैब का टुकड़ा जो तोड़ के फेंक दिया तो एक तो लेंथ कम हो गया, वो वजन उतना ही रहा, तो कुल मिलाकर इसका ग्राम पर मीटर भारी गया, और ग्राम पर मीटर भारी जाने से क्या होगा, रैपिंग भारी आएगा, नेप्स बनेगा, मतलब रैपिंग से भी बढ़ेगा, सब प्रकार बीमारी आएगा। ये सबसे कॉमन प्रैक्टिस है। ब्लोरूम कारीगर क्या करता है, लैब का टुकड़ा फाड़ के फेंक देता है, बराबर वजन करके बिठा देता है, गलत चीज है, इसको बार बार चेक करना पड़ेगा। अवॉइड वर्टिकल कटिंग फॉर फीडिंग और एमबीओ। एमबीओ में जो माल डालता है वो कटिंग बराबर करेगा नहीं, वर्टिकल कटिंग नहीं करेगा, ऐसे काटने के लिए जो बताया गया था, तो वो भी सेड वेरिएशन सेड ऑफ क्वालिटी होमोजेनियस नहीं होगा मिक्सिंग, वो दिक्कत जाएगा। रिजेक्टेड लैब सेंड नोइंगली टू कार्डिंग। एक चीज ये भी है, जैसे रिजेक्टेड लैब का बारे में आपको पहले भी बताया मैंने एक दो बार इंटरव्यू सीरीज में, तो उसमें कैसा है, रिजेक्टेड लैब पे पर्ची दे के रखना पड़ता है कि ये इतना ग्राम प्लस है, ये इतना ग्राम माइनस है, तो इसको क्या करते हैं कारीगर, कभी कभी जान बूझ कर वो पर्ची निकाल कर फेंक देंगे, और लैब वाले बोलेंगे माल ले लो दे दो कार्डिंग में सही है, तो वो भी गलत है। इसको भी कारीगर को समझना पड़ेगा कि हम गलत काम क्यों करें जिसमें क्वालिटी अपना खराब हो रहा है, तो ऐसे नहीं करना कभी। मैग्नेट पॉइंट क्लीनिंग। मैग्नेट पॉइंट क्लीनिंग कब होता है, शिप चेन में जैसे अपन सफाई करते, जहां जहां मैग्नेट रहता है, जहां पे अपन प्रोसेस में लोहा लक्कड़ रहता है,
मतलब इसको सफाई करके निकाल के वो लोहा जितना मिलता है इसको अपन मेंटेनेंस ऑफिस में जमा लेते हैं कि इतना आज लोहा का टुकड़ा मिला। और लोहा का टुकड़ा अगर आप मैग्नेट ढीली सफाई नहीं करोगे वही टुकड़ा कारिंग में चला जाएगा, कारिंग का वायर पॉइंट डैमेज कर लेगा, सब प्रकार का नुकसान कर देगा। तो मैग्नेट क्लिनिक तो जो शेड्यूल का हिसाब से होना चाहिए करनी पड़ती है। ये भी एक बैड प्रैक्टिस, कारीगर जानबूझकर टालता है, जबर टालता है, इसको करवाना जरूरी है। 2 आवरली रिमूवल ऑफ ड्रिपिंग्स, 2 घंटे का जो ड्रिपिंग्स है बिटर का नीचे से इसको बराबर निकालना चाहिए, नहीं तो वही ड्रिपिंग फिर अंदर बिटर खींच लेगा, फिर वही माल नेप्स बनेगा, प्रॉब्लम आएगा। फिर स्किप जनरल क्लीन, जनरल क्लीन जो होता है आपको बताया था तो डेली जनरल क्लीन होना चाहिए फिल्टर का या ब्लोरूम का गटर का। तो उसमें क्या होता है अगर आप फिल्टर का डेली जनरल क्लीनिंग करोगे तो सेक्शन बढ़िया रहेगा, शर्ट फाइबर जाएगा और वो क्वालिटी बढ़िया आएगा। जनरल क्लीनिंग का भी स्किप नहीं करना है। रन लैब विदाउट रोबिंग, रोबिंग में कोई कोई लैब फटता है तो रोबिंग लगा के चलाना चाहिए। वो कोई भी नया माल चालू करते हैं उससे पहले अपन रोबिंग बना के उसी कलर का मटेरियल से रोबिंग बना के इसमें 4-5 रोबिंग लगा के ऐसे ऐसे लैब पे इसका अंदर अंदर 4-5 रोबिंग दे देंगे, वो लपेट लपेट के लैब के साथ में चलेगा ताकि लैब लीकिंग नहीं होगा, प्रॉब्लम नहीं आएगा। नेक्स्ट देखिए बैड प्रैक्टिस के बारे में बता रहे हैं, कार्डिंग का बारे में बात कर रहे हैं। इसमें कार्डिंग में क्या क्या बैड प्रैक्टिस है, 2 आवरली रिमूवल ऑफ ड्रिपिंग्स, ये कार्डिंग का नीचे से अपना लिक्रीन का नीचे से ड्रपिंग्स वगैरह सिलेंडर के नीचे से ड्रपिंग्स वगैरह निकालते हैं, 2-2 घंटे में निकालना चाहिए, नहीं निकालेंगे तो उसमें क्वालिटी का प्रॉब्लम आएगा, नेप्स बढ़ेगा। फ्लैट ब्रश नॉट क्लीन, फ्लैट ब्रश जो होता है आगे फ्लैट क्लीनिंग करता है, वो ब्रश अगर बार बार 2-2 घंटे में सफाई नहीं करोगे उसमें फ्लाई भर जाएगा, वो फ्लैट से कचरा वो वापस खींच नहीं पाएगा, तो फ्लैट के ऊपर पहले से कचरा रहेगा तो कार्डिंग का क्लीनिंग एक्शन में प्रॉब्लम आएगा। इसीलिए फ्लैट ब्रश जो होता है बराबर सफाई होनी चाहिए। ऑटो लेवलर ऑफ ड्यूरिंग रनिंग, कभी कभी क्या करते हैं कारीगर ब्रेकेज ज्यादा हो रहा है तो ऑटो लेवलर बंद कर देते हैं, ऑटो चालू रहेगा तब तो ब्रेकेज होगा, इसको इलेक्ट्रिक वाला या मेंटेनेंस वाला को बुला के दिखाना चाहिए बंद करने से पहले। लेकिन सबसे आसान ये सोचते हैं कि ऑटो लेवलर बंद करके कारिंग चालू रखेंगे, उसमें क्या होता है क्वालिटी प्रॉब्लम आएगा, सी भी बढ़ेगा, सारी कुल मिला के यंग क्वालिटी लास्ट में खराब होगा। और नॉट टू क्लीन डिपोजिशन इन टाइम, मेरा अगर डिपोजिशन वाला चैप्टर था उसमें देखिएगा डिपोजिशन कितना कितने टाइम में सफाई होता है, अगर कार्डिंग में डिपोजिशन है इसको जो जो टाइम दिया गया डिपोजिशन का ग्रेविटी देख के मतलब कितना देर में सफाई होनी चाहिए वो भी सफाई करना चाहिए। अलाउ फ्लाई और कट स्लाइबर फॉर नेक्स्ट प्रोसेस, आप जैसे कार्डिंग कारीगर हो आपको कोई दिख रहा है मटेरियल में फ्लाई है या कट दिख रहा है तो इसको क्या करना है, इसको बिल्कुल आगे जाने नहीं देना। लेकिन कोई कोई कारीगर बदमाशी करके फ्लाई फ्लप वाला कट वाला मटेरियल में आगे ढकल लेता है कि अपनी पीछा छूटे कहीं में लग जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं करना। अगर आपको कट माल दिखता है फ्लाई माल दिखता है तो इसको बाकायदा मिक्सी में भेज दीजिए, तोड़ तोड़ के फिर रीयूज हो जाएगा, लेकिन आगे नहीं भेजना। लास्ट स्टैंड अप लैप 1 से 2 मीटर थ्रो आवे, मतलब लैप का जैसे देखना खत्म होने जा रहा है तो लास्ट में इतना 1 मीटर का लंबा रहता है, 1.5-2 मीटर रहता है, वो क्या करता है सरिया से तो फोड़ के फेंक देता है, फोड़ के फेंक देता है वो 2 मीटर का वो स्ट्रेच जाता है। तो कोशिश करो लैप जैसे खत्म होने जाएगा वो सरिया निकाल दीजिए, इसको नीचे झुला दीजिए, आराम से इसको आहिस्ता आहिस्ता करके चला दीजिए, वेस्ट मत बनाए। अलाउ लोडिंग मशीन, लोडिंग मशीन कभी स्लाइबर नहीं बढ़ने देना, लोडिंग है आपको मालूम पड़ रहा है तो तुरंत इसका चाबी काट दीजिए, खाली चलने दीजिए, पूरा फ्लैट सिलेंडर सब साफ हो जाएगा, डब्बर भी साफ हो जाएगा, उसके बाद मटेरियल चालू करिए, नहीं तो लोडिंग वाला मटेरियल जाएगा फुटकी जैसा स्लाइबर जाएगा वो क्वालिटी खराब करेगा। लॉट चेंज क्लीनिंग नॉट डन प्रॉपरली, लॉट चेंज जैसे आप एक कलर माल से दूसरा कलर माल चलाने जा रहे हो वो लॉट चेंज में जो 2 घंटे का 4 घंटे का जो भी टाइम आपको दिया जाता है उसमें परफेक्टली सफाई करना, सफाई करके रिंजिंग करना, सफाई नहीं करोगे तो
कंटामिनेशन जाएगा, लॉट चेंज में प्रॉब्लम आएगा। टेम्परिंग ऊपर डिलीवरी स्पीड, कभी कभी देखना आपने एक कार्डिंग का लाइन सेट किया 150 की स्पीड में चलना चाहिए, और थोड़ी देर के बाद जाकर देखो क्या 120 मिलेगा, 130 मिलेगा। वो क्या करते हैं कारीगर जानबूझकर कम कर देते हैं। कम करने से क्या होता है, अपनी शिफ्ट पे लट चेंज का सफाई नहीं आएगा, ये उनका दिमाग में रहता है। कुछ तो कारण रहता है, मतलब मेहनत कम लगेगा, डिब्बा कम लगानी पड़ेगी, तो हमेशा वो चाहते हैं स्पीड कम चलाने के लिए। तो कभी भी अलाउ नहीं करना स्पीड कम करके चलाए। रैंडमाइजेशन नॉट फॉलोड, गाड़ी में जैसे आपकी पहले भी बताया गया रैंडमाइजेशन जो होता है यान काउंट का सीवी कम करने के लिए, अगर कार्डिंग वाइज आप डिब्बा नहीं डालोगे, नंबर वाइज कार्ड में कार्ड नहीं डालोगे, तो रैंडमाइजेशन अगला प्रोसेस ड्राइव में नहीं हो पाएगा। रैंडमाइजेशन नहीं होगा, काउंट सीवी बढ़ेगा और सब प्रकार की बीमारी आएगा, यान का स्ट्रेंथ भी कम हो जाएगा क्योंकि बराबर मर्ज नहीं हुआ मोटा पतला। उसके बाद देखो फूड एम्प्टी कैन विदाउट कैस्टर के लिए, वो जो कैन का नीचे जो पहिया रहता है वो कभी कभी बिना सफाई करके कैन लगा देते, वो भी गलत चीज है। तो ये जो जितना पॉइंट बता ये सब चीज कार्डिंग का रिलेटेड गलत चीज है, और ये जो बैड प्रैक्टिस का मेरा हो सकता है 2 वीडियो या 3 वीडियो आएगा, इसको आप ध्यान से देखिए। और यह कार्डिंग तक आज मैं कवर कर लिया, आप देखने के बाद वीडियो देखने के बाद लाइक कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।